कानपुर देहात से कासगंज की तरफ हम लोग रवाना हो रहे हैं और हमारे दिलदार खान जी हमारे साथ हैं और कासगंज से द्रकपाल जी हैं पीछे जो कि चल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी हम आपको यहाँ के बारे में जानकारी भी देंगे कि हम लोग बिल्होर स्टेशन पहुँच रहे हैं और वहाँ पहुँच कर हम आपको भी एक नई जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ द्रकपाल जी हैं और ये दिलदार खान हैं और हमारे ये सुनील भाई हैं। यकीन मानिए आज वर्दी की क्या अहमियत है इसको आप समझ सकते हैं। मैंने प्राइवेट बस में पूरा किराया दिया था चार लोगों का 60 रुपए के हिसाब से 240 बनता है, लेकिन आप ईमानदारी बताओ दिलदार भाई उसने चार का लिया या तीन का लिया? तीन का किराया लिया, हमारा उसने सम्मान किया, हमारा कोई पैसा उसने नहीं लिया। जय हो बीसी, जय हो। क्या कहते हो आप बताओ? बस ये सम्मान की ये बात आती है कि सम्मान जो इनको मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है। क्या किंग ऑफ 24 मीडिया का धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए द्रकपाल जी क्या कहेंगे? ये बढ़िया बात है, सभी लोग वर्दी का सम्मान करें और वर्दी सभी लोग सिलवाएं। ये जो सम्मान मिल रहा है हर जगह। कुछ लोग कहते हैं कि अन्नू भैया आप बुराई मत किया करो, मैं जानता हूँ कि आप लोग खुद ही ऐसे लोगों को जवाब दे देते हैं लेकिन मन में नहीं रह पाता है क्योंकि तकलीफ होती है। मेरे साथ चलने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है तो मुझे गर्व सा महसूस होता है। और एक ऐसे लोग हैं कि सम्मान तो छोड़िए कि अपने थाने पर भी वर्दी लागू नहीं करवा पा रहे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए गर्व से हम लोग चल रहे हैं, साथ में लगातार 2-3 दिन से सफर ही हमारा चल रहा है। इसके अलावा भी ट्रेन जब आएगी तो बैठेंगे, उसके बाद भी हम आपको बताते रहेंगे।